जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, वो गोरखे के संविधान को, मनुवादी संविधान को लागू करना चाहती है। इसीलिए आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर और बिहार से एक आगाज देने का काम किए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में कबूल किया और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगाने का काम। इसके बाद जब यहाँ से शुरुआत के बाद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां भी हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई। उसके बाद कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई। आप लोग सब लोग का साथ अगर रहेगा तो 2024 में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। आए हैं यहाँ कुछ नौजवान लोग, कहते हैं और वो कहते हैं क्या जे लालू यादव ने क्या किया, आप अपने पुरखों से पूछा कीजिए, आप अपने पूर्वजों से पूछा कीजिए। विकास नाम कलर का होगा 1990 से आपके पूर्वजों की क्या स्थिति थी, आपके पूर्वजों की क्या स्थिति थी, आपके पूर्वज कहीं जूता पहनकर किसी के जो आपके मालिक थे उनके यहाँ पर नहीं जाया करते, आप किसी ब्लॉक में किसी थाने में आप जाया नहीं करते थे, आप ठीक से किसी मालिक के पास अपना बात को नहीं रख सकते थे। लेकिन आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के आवाज देने का काम किया वो कोई नहीं दे सकता है पूरे देश में। अगर एक ही आदमी नेता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दे सकता है। और वह भी ये जो आप यादव जी दो शब्द बोलते हैं, हमारा मुख जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी युवा के प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार संभाले तो बहुत सारे मुद्दा हमारे राज्य में देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत अनेकों मुद्दा है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने उसमें 3-4 बिंदुओं को एजेंडा बनाया। हमारे आदरणीय राजेश यादव जी 4 बिंदुओं को मुद्दा बनाए और उनके लिए संघर्ष करने के लिए उन्होंने ऐलान किया। उसमें जो जातिगत जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्षों से नहीं कराई जा रही है उस जातिगत जनगणना कराने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के जिला मुख्यालय पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किए और पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक मैसेज गया जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले पूरे प्रदेश में युवा राष्ट्रीय जनता दल महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और नई जातिगत जनगणना के खिलाफ युवा राष्ट्रीय जनता दल अब आंदोलन करने पर उतारू। नई शिक्षा नीति में क्या है, नई शिक्षा नीति जो लाई गई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बारीकी से बताएंगे लेकिन हम थोड़ा संक्षिप्त में कहना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति में कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीतामढ़ी में बोल रहे थे, हम लोग को वहां सीखने का मौका मिला। इन्होंने कहा जो नई शिक्षा नीति है और नई शिक्षा नीति में जिस सिवान में एक कॉलेज की स्थापना हुआ, आपके बगल में पिपराणी में कोई कॉलेज होगा लेकिन नई शिक्षा नीति में अगर बगल में पिपराणी और सिवान कॉलेज होगा तो यहाँ किसान के बेटा, मजदूर का बेटा भी अपना जमीन में अपने खेत और खंडियाल में काम कर और कॉलेज में अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें नई शिक्षा नीति में अध्यक्ष जी बोल रहे थे कल 500 से नीचे 3000 से नीचे अगर उसमें उस कॉलेज में 3000 से नीचे बच्चों की नामांकन नहीं है वैसे कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा, उससे कौन लोग वंचित हो। हमारे गांव में हमारे गरीब साथी है, गरीब जो खेत खलिहान में काम करते हैं उनके बच्चों पढ़ने से वंचित हो या साजिश है, बड़ी साजिश चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा। हम लोग को समझने की जरूरत है जब शिवहर में कॉलेज रहेगा तो हमारा बेटा गांव में मजदूरी करकर भी, हमारा साथी गांव में मजदूरी करकर भी, अपना खेती करकर भी जाके कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर सकता है। लेकिन यह कॉलेज शिवहर से अगर बंद हो जाएगा या कॉलेज मुजफ्फरपुर और पटना में रहेगा तब बहुत सारे अभिभावक लोग के पास उनके गार्जियन के पास पैसा के अभाव में पटना और दिल्ली और मुजफ्फरपुर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा। इस नई शिक्षा नीति में त्रुटियां। अब हम आते हैं जातिगत जनगणना, जिस समय हम सरकार में भी नहीं थे, बिहार में हम सरकार में नहीं थे उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में सदन में
जातिगत जनगणना कराने के लिए मांग की। उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे और भारतीय जनता पार्टी भी उनके सहयोगी थे। हमारे नेता ने जब जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव है सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जब यहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश में समाज की ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, वो गोरखे के संविधान को मनुवादी संविधान को लागू करना चाहती है। इसीलिए आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर और बिहार से एक आगाज देने का काम किए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में कबूल किया और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगाने का काम। इसके बाद जब यहां से शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां भी हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई। उसके बाद कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई। आप लोग सब लोग का साथ अगर रहेगा तो 2024 में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी खत्म रहने में कुछ बातें होती रहती है, कुछ गलतियां होती रहती है, लेकिन उस गलतियां को लेकर अगर घर को तोड़ते हैं तो कहीं रहने का मौका नहीं मिलेगा। आपके विधायक संजय गुप्ता जी हैं, चेतन आनंद जी हैं, चाहे जो लोग हैं, हम भी हैं, उनसे काम के लिए कहिए और आप सब नौजवान या जो अभिभावक लोग हैं उनसे कहिए कि मेरा काम कीजिए, जो उनसे बनता है काम करेगा। अगर आप नहीं काम करते हैं तो आप हम लोग को भी कहिए, आप अपने नेता को भी कहिए, लेकिन उसके बाद विवाद में सब लोग को नहीं पड़ना है। जब हम लोग बाद विवाद में पड़ेंगे कोई भी लोग राष्ट्रीय जनता दल के सबसे निचला पैदान पर जो सिपाही है राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करते हैं वोट देते हैं उतना ही उनका महत्व है, जो एमपी विधायक बनते हैं उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आप उसी कुर्सी पर आप यहाँ पर भेजने का काम करते हैं कुर्सी से उतार भी देता है। इसलिए सभी माननीय सदस्य को भी अपने जो वर्कर है उनको सम्मान देना चाहिए। हाँ, सभी बात आपका नहीं हो सकता है, विधायक से भी नहीं हो सकता है, एमपी से भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप जब चुने हैं आपके बातों को अभी संजय भाई बोल रहे हैं सदन में उठाने का काम करेंगे। आप विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व चुने हैं और विधानसभा में आपको बातों को सड़क नहीं बन रही है, आपके यहाँ भूल भुलिया नहीं बन रहा है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में विधानसभा में हम लोग का एक विधानसभा खुलता है उसमें हम लोग अपना प्रश्न करते हैं अपने जनता के हित के क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उसके लिए और वहां से निदान भी होता है। आप बोल रहे थे संजय भैया हम आपके यहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं, हमको पूरे बिहार से, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, बोल रहे थे बहुत साथी हम आपको वादा करते हैं हम एक सच्चा लालू यादव के सिपाही है, आप ही के जैसे एक राष्ट्रीय जनता दल के छात्र राजद से शुरू किया था, छात्र राजद के प्रथम अध्यक्ष से शुरू की थी अपनी राजनीति, लेकिन कहीं न कहीं ईमानदारी और पार्टी के भाव से आप लोगों ने आज विधायक बनने का काम किया। हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग साथी से कहना चाहते हैं आप भी, आपके बीच के हम हैं, कभी आप भी इस कुर्सी पर आ सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, मेहनत और ईमानदारी रहेगी, पार्टी के प्रति ईमानदारी और वफादारी रहेगी तो बैठिएगा, आगे बढ़ना चाहिए और आगे सिर्फ बढ़ने से नहीं होगा, आप कर्तव्य कीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर्तव्य किए, मेहनत किए, संघर्ष किए हैं, लाठियां खाई, गांव गांव में जाकर धरना प्रदर्शन का काम किए, शुरुआती दौर में हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन एक और बात कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो नौजवान अभी आए हैं यहाँ, कुछ नौजवान लोग कहते हैं और वो कहते हैं क्या जे लालू यादव ने क्या किया, आप अपने पुरखों से पूछा कीजिए, आप अपने पूर्वजों से पूछा कीजिए। विकास नाम का लड़का होगा 1990 से आपकी आपके पूर्वजों की क्या स्थिति थी, आपके पूर्वजों की क्या स्थिति थी, आपके पूर्वज कहीं जूता पहनकर किसी के जो आपके मालिक थे उनके यहाँ पर नहीं जाया करते, आप किसी ब्लॉक में किसी थाने में आप जाया नहीं करते थे, आप ठीक से किसी मालिक के पास अपना बात को नहीं रख सकते थे,
लेकिन आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के आवाज देने का काम किया, वो कोई नहीं दे सकता है पूरे देश में। अगर एक ही आदमी नेता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देने का काम, और वह भी ये जो आप अपना हक हुकूक किसी मालिक के पास भी अपना अधिकार मांगो, किसी नेता के पास भी अपना अधिकार मांगो, यह लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। उनको भूलने की जरूरत नहीं, उनको याद करने की जरूरत। और अपने पूर्वज से भी पूछिएगा, उन दिनों का याद कीजिएगा, 1990 से पहले को तो याद पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे नेता थे, नेता हैं आप, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ होकर भी हम लोग के बीच आए। उस दिन विधायक दल की बैठक थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजेश यादव जी भी थे, और वहाँ पर कहे हैं उनका बड़ी इच्छा होती है कि हम क्षेत्र में जाएं, जिला में घूमें, अपने लोगों से मिले। और हम आपको बतलाते हैं, कोई नौजवान साथी या कोई कार्यकर्ता अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ पर जाते हैं तो हमारे नेता भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी मुलाकात करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं किसी न किसी कारणवश, अगर वहाँ नहीं रहते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बुलाते हैं। हम कभी एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, देखो रे सिपाही कोई है बाहर लोग अपना, उसको बुलाओ। और जब फाटक खुलता है, गेट खुलता है, तो सभी लोग 200-400 की संख्या में जाते हैं और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी सबसे मुलाकात करते हैं, अपना जो समस्या हुआ कहते भी हैं और वहां से निर्देशित भी किया जाता है। इसलिए आपके जो नेता में बल है, आपके नेता में जो क्षमता है, किसी नेता में नहीं है। इसलिए अपने नेता को मजबूत करने के लिए हम सभी लोग संगठित होकर ईमानदारी से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आपके हम लोग के बीच अभी आए हैं बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष जी, वो हम लोग बारीकी से सभी बातों को आपको समझाएंगे। हम लोग इनके बातों गांव में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में जाकर जनता के बीच, अपने साथियों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए, आई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला के सदर अस्पताल हो या पटना के PMCH, IGMS, NMCH हो, SMCH हो, सभी अस्पतालों में व्यवस्था सुदृढ़ हुआ और डॉक्टर भी प्रतिदिन वहाँ रहते हैं। देहात में जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर की कमी, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपके नेता उस पर लगे हुए, आपके नेता ने वादा किया था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, और आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रोजगार की बात किए हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि सभी विभागों से खंगाला जा रहा है, रीतियां भी खंगाली जा रही है। और जिस जिस विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण हो या पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रीतियां खंगाल कर और बहाली भी हो रही, नौकरी भी हो रही है। आपके नेता जो कहते हैं तो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो झूठी पार्टी, जो झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी, उनके लोगों से पूछिए जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। नौजवान साथियों, आप लोग फेसबुक के माध्यम से पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, आप 2 करोड़ रोजगार देने का काम किए हैं, आपने वादा किया था जो मेरी सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपया सभी लोगों के खाता में देने का काम करेगी। 15 लाख रुपया देने की बात कही थी, हमारे लोग भी, हमको भी, हमारे लोग को भी मन में आया, यदि 15 लाख रुपया अगर हमको मिल जाएगा तो हमारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा, हम मकान बना लेंगे, घर बना लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी का जुमला रहता है, वह ठगने का काम करती है और 15-15 लाख किसी के खाते में नहीं गया। ठीक बात है, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम महागठबंधन के लोग हैं, हमारे खाता में नहीं भेजा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खून पसीना एक कर उनको केंद्र में सरकार बनाया। उन साथियों से पूछिए जब तुम्हारे खाता में गया तो कभी उसे हमको चाय पानी को पिला दो, 15 लाख तुम रख लेना, लेकिन उस पैसा से हमको पान और चाय पिला दो, आप पूछिएगा काम कीजिएगा। हमारे नेता अब बोलेंगे हम बहुत समय ले लिए, इसलिए अपने नेता प्रदेश अध्यक्ष से क्षमा भी चाहते हैं। आप लोगों को हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, जय राष्ट्रीय जनता दल।